मोंटू मनीष और सलोनी को परेशान कर रहा है। लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। बालवीर, 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 बालवीर! अंडा! ये क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं सर, मैं इनको बता रहा था कि चलो एक साथ चलकर पढ़ाई करते हैं। तुम्हें पढ़ाई करना नहीं आता, लड़ाई करना आता है, लड़ाई। अध्यापक को भी अभी आना था। अब सर ने जब मोंटो को डांट ही दिया है तो मैं वहाँ जाकर मोंटो को सजा नहीं देता। कल हजार बार लिख के आना कि मैं आज के बाद शरारत नहीं करूँगा। बालवीर से पहले मैं बाल सखी और बाल मित्र को अपना निशाना बनाऊंगा और बच्चों के सामने बानव और मेहर का असली रूप सामने लाऊंगी। बच्चों, पीटी पीरियड चालू है, सब लोग पोस्ट रूम में जाओ, जाओ। चलो तौबा तौबा। चलो। साथ ऐसे हो सकता है, मैं आईने में बल्लू के रूप में कैसे दिख रहा हूँ? अरे बल्लू तुम यहाँ, चलो स्पोर्ट रूम में चलो, आओ आ जाओ। जिस बच्चे ने भी मुझे बल्लू के रूप में देखा, ऐसा कैसे हो सकता है? हो ना, ये सब शातिर परी के फेंके हुए जल की वजह से हो रहा है। हाँ, शातिर परी की कोई चाल है लोगों के सामने मेरी सच्चाई लाने के लिए। बाल मित्र बचाओ, बाल सखी बचाओ। नन्ही परियों, परीलोक में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती बल्कि खेल कूद भी होता है। तीनों इस गेंद के साथ खेलो। अरे वाह, ये तो बहुत आसान है। जुगनू परी, फूल परी, चलिए पकड़ते हैं इस गेंद को। ठीक है तितली परी, चलिए। ये इतना भी आसान नहीं है। यार तुम लोगों ने मुझे बहुत परेशान ना, अब लेके गेंद मेरा बदला आप लोगों से। घबराने की कोई बात नहीं है, आप अपने जादू से इस गेंद को नीचे ले आइए। चले हमारा जादू सब पर, आ जाए वो ऊपर से नीचे, ताकि हो जाए हमारा मेल और शुरू हो हमारा खेल। तुम्हारा नसीब ही खराब। माफ करना दुबई दुबई, फिर से गलती हो गई। हमसे गलती हो गई नटखट परी, हमारा जादू फिर से काम नहीं किया, हमारी वजह से दुबई दुबई को गेंद लग गई। कोई बात नहीं, जादू आपने गलत किया पर सबक आपने बिल्कुल सही सीखा। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अगर आप ऐसे ही अच्छे कार्य करते रहेंगे तो आपको सुनहरे सितारे जरूर मिलेंगे। नटखट परी, हमें अभी तक एक भी सुनहरा सितारा नहीं मिला।
नन्हे परियों, जब तक आपको कम से कम दो सुनहरे सितारे नहीं मिलते हैं, तब तक भयानक काली रात का साया परिलोक पर मंडराता रहेगा। बचाओ, बाल सखी, बचाओ। बुलाओ और बुलाओ बाल सखी और बाल मित्र को तुम्हारी मदद के लिए। बालवीर, बाल मित्र, बाल सखी, बचाओ। कर गई मेरी युक्ति का, अब बाल सखी और बाल मित्र का खेल खत्म। उनका असली रूप सबके सामने आ चुका है, अब छीन जाएगी उनकी शक्तियां हमेशा हमेशा खेल। अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। रोहित, मेरी भी आंखों के सामने अंधेरा हो गया। पोर्टबस, बस कहाँ? बस, पोर्टबस कहाँ? मुझे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पोर्टबस, शुक्रिया बालवीर, मैं सही समय पे भटकाती परी की शक्ति का प्रयोग करके बच्चों के आंखों के सामने अंधेरा कर लिया। हाँ, वरना वो हमें मानव महल के रूप में उनकी मदद करते हुए देख लेते। हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा, वरना बाकी बच्चे आकर हमारा असली रूप देख लेंगे। चलो। मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ, और मुझे भी। हाँ, हमें भी दिखाई दे रहा है। कब तक बचेंगी ये तीनों बच्चों के सामने आने से? प्रचंडिका ने कहा था कि उसका असली रूप दिखावम स्प्रे का असर बिना नन्ही परियों के जादू के खत्म ही नहीं होगा। मौनसूदक ब्रिटिश लखानी खाने के बिना रह सकता है, पर शरारत के बिना नहीं रह सकता। और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मोंटू, तू बस हमें इतना बता कि तू बालवीर की सजा सबके सामने लेना पसंद करेगा या अकेले में? अकेले में ठीक है। गुड बाय, अब चल बाहर चल। मोंटू, चुप रह के खड़ी रह। बालवीर, 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 दिखाई देकर ही रहेगा बच्चों को मानव बल्लू और नहर वाला रूप। इस बार तो मैं पहले जाकर बता कर ही रहूंगा प्रचंडिका को ये खुशखबरी। मैं तो चला। बालवीर, मोंटू ने कंचे फेंककर सब बच्चों को नीचे गिरा दिया था। बच्चों को बालवीर, बाल सखी और बाल मित्र की जगह बल्लू, मानव और नहर क्यों नहीं दिखाई दे रहे? प्रचंडिका के जादुई स्प्रे का असर समाप्त कैसे होगा? तो मोंटू,
तुम ऐसे नहीं सुधरोगी। मोंटू, हम तुम्हें हर बार समझाते हैं, पर तुम समझते ही नहीं, इसलिए इस बार तुम्हें अलग सजा देनी पड़ेगी। अकेले मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगी, बल्कि हम तीनों एक एक करके तुम्हें तीन बार सजा दूंगी। अच्छा है बालवीर, तभी शायद मोंटू के सर से दूसरे बच्चों को परेशान करने का भूत उतरेगा। देखिए बालवीर जी, अब एक ही पनिशमेंट बहुत भारी पड़ती थी मुझ पर, अब आप भी सोचिए तीन तीन पनिशमेंट कितनी भारी पड़ेगी मुझ पर। बालवीर जी, मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, मैं छोटा सा नन्ना सा मोटा सा बच्चा था, भोला भाला, मुझे हमेशा से सच्चा और अच्छा ही बनना था। ये तो मुझे रोहित जैसे गधे दोस्त मिल गए, इसीलिए मुझे शरारतें करनी पड़ती है, उन्होंने ही मुझे शरारत सिखाई। अच्छा, तो इसलिए तुम बुरे बच्चे बने। कोई बात नहीं, इस समस्या का भी हल है मेरे पास। आज तुम पूरा दिन सलोनी के साथ उसके घर पे रहोगे, अच्छे और सच्चे लोगों के बीच, फिर देखता तुम अच्छे और सच्चे बनते हो या नहीं। हाँ हाँ ठीक है, मैं सलोनी के साथ रहकर सच्चा और अच्छा बच्चा बनकर दिखाऊंगा, प्रॉमिस। तो ठीक, हम तीनों तुम्हें माफ करते हैं। मुझे जांच करनी ही होगी कि बच्चों पे कोई जादू किया हुआ है या फिर सच में जादुई स्प्रे का असर समाप्त हो गया है। मोंटू, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्रिसमस। चंडिका का जादुई असली रूप दिखावन स्प्रे का समाप्त होना कैसे संभव है? सही समय पर आप तीनों में पंख में उड़ने की शक्ति आ गई है। इससे हमें पता चल गया है कि आप तीनों में जादुई शक्तियां जागृत हो रही हैं और आपने अपनी जादुई शक्ति से सच्चाई और अच्छाई की रक्षा बालवीर, बाल सखी और बाल मित्र इन तीनों के ऊपर से भी जादुई जल के असर को हटा दिया। शाबाश। नन्ही परियों, सुनहरा सितारा तो आपको मिलना ही था, क्योंकि आप तीनों ने अच्छाई की मदद की है और आज तो आपने सच्चाई और अच्छाई के रक्षक बालवीर, बाल सखी और बाल मित्र इन तीनों को अपनी जादुई शक्ति की मदद से एक बहुत बड़े खतरे में पड़ने से भी बचाया है। हम बहुत खुश हैं रानी परी। रानी परी, अब हम और भी अच्छे कार्य करेंगे और दो और सुनहरे सितारे प्राप्त करेंगे। लेकिन रानी परी, क्या इससे प्रचंडिका को इस बात का पता नहीं चल जाएगा कि नन्ही परियां जीवित है? क्योंकि
प्रचंडिका के इस जादू को सिर्फ नन्ही परियां ही तोड़ सकती हैं। नहीं बाल परी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ये बात प्रचंडिका को बिल्कुल भी मालूम नहीं है, क्योंकि काली रात के बाद से हमने इन तीनों नन्ही परियों को सभी बुरी शक्तियों से छिपा कर रखा था, और बुरी शक्तियों की नजर में अब इन नन्ही परियों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। बस एक बार इन नन्ही परियों को एक और सुनहरा सितारा मिल जाए, फिर उस काली रात का खतरा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। रानी परी, ये काली रात क्या है? क्या हम भी वो काली रात देख पाएंगे? नन्ही परियों, गलती से भी अपने मुंह से शब्द काली रात मत निकालिएगा। क्यों रानी परी? जाने दीजिए नन्ही परी, बस आप इतना ख्याल रखिएगा कि काली रात जैसी कोई चीज नहीं। ठीक है रानी परी। प्रचंडिका, बालवीर, बालसखी और बालमित्र अपने दोस्तों के सामने गए तो थे, लेकिन इनके दोस्तों को उनका बल्लू, मानव और मेहर वाला असली रूप नहीं दिखाई दिया। प्रचंडिका, तुमने तो कहा था कि सिवाय नन्ही परियों के तुम्हारे इस जादू को और कोई तोड़ नहीं हो सकता, तो फिर ये कैसे हुआ? क्यों सारे बच्चों को बल्लू, मानव और मेहर वाला सेम रूप नहीं दिखाई दिया? तुम ये सब जानकर खुश हो? क्यों? मैं खुश बात का यकीन हो गया है कि नन्ही परियों का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ। नन्ही परियां अभी भी जीवित हैं। प्रचंड विनाश काम है मे प्रचंड नाम है मेरा। है सुना भाई, बादल और सारी परियां पृथ्वी लोक में है बचारी गणेश चतुर्थी की धूम, है परिलोक एकदम खाली। कर सकता हूँ मैं नष्ट पूरे परिलोक को इस जादुई लालटेन की मदद से। तबा तबा। अरे आज्ञा कहाँ से पाल रही इतनी जल्दी? अरे करो करो पाल रही, डर रहा था मैं तो खिटोली। ये लो। हैटिक, पाल तो पाल। अब ऐसे ही तेजी से तुम दबा के भागेगी बुराई, क्योंकि अब होगा सच्चाई और अच्छाई का बुराई पर वार और भी जल्दी। जी हाँ दोस्तों, सच्चाई और अच्छाई का रक्षक बालवीर अब आएगा सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। तो आएंगे ना आप भी 7 बजे मेरे साथ। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।